बाद में पूरी वीडियो बनाना मेरा चैनल पाँच किलो इसमें 12 के आसपास 12 5 बैठेंगे 4.5 बैठेंगे रिक्शे में ऑटो रिक्शे अच्छे बैठते ऑटो रिक्शे लोकल है 4.5 इनको पुर जा दुकान का ओपनिंग हुआ है यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है यहाँ पर अपने को पेट्रोल गाड़ी को टोटल सीएनजी फिट करके मिलेंगे आरटीओ ऑथराइज पहला अपना औरंगाबाद में फर्स्ट सीएनजी सेंटर अभी अप्रूव किया आरटीओ ऑफिस ने और सबको सीएनजी फिट फिटमेंट करके आरटीओ ऑथराइज करके दिया जाएगा तो कौन से गाड़ियों की जाएगी टोटल 4 व्हीलर और ऑटो रिक्शा पेट्रोल गाड़ी तो इसमें क्या पेट्रोल की बचत होगी पेट्रोल की बचत होगी और एवरेज बढ़ेगा इसका पैसे की बचत होगी 110 में आज अगर तुम 15 किलोमीटर चल रहे तो उसमें 8 से 10 किलोमीटर अपने को एवरेज बढ़ेगा और पैसे भी अपने बचेंगे ये गाड़ी वाले को कितना खर्चा है इसमें 45 से 55 हज़ार के आसपास का बजट है और रिक्शे के लिए 33 से 34 हज़ार रुपये का तो उसमें आरटीओ अप्रूव का खर्चा भी आ गया तो ये एरिया कौन सा है आपका कहाँ पर लाना है गाड़ी अपना एरिया यहाँ पर ये एक सेंटर है और वर्कशॉप अपना बेड़ बाईपास पे भी है कौन सा एड्रेस है एड्रेस पूरा बताओ एड्रेस क्या है यहाँ का अदालत रोड है अपना चेंबर साई चेंबर और अदालत अपना बाईपास पे सातारा परिसर नाम बोलिए आपको मोहम्मद फेरोज खान है ये हमारे फैयाज भाई और समद समद जिसमें जो पेट्रोल गाड़े है पेट्रोल गाड़े के ऊपर पूरा चलता है पेट्रोल की जो गाड़े है उसके अंदर ही फिट होता है और उसका फायदा ये है कि आज पेट्रोल बहुत महंगा है और अपना जो सीएनजी आता है वो सस्ता मिल रहा है सीएनजी अपने पास 68 रुपीस पर केजी मिलता है और पेट्रोल जो है 110 रुपये क्या पेट्रोल 110 रुपये लीटर में आप 15 से 20 किलोमीटर चलते हैं कार में तो सीएनजी में आप 68 रुपये में ये 25 किलोमीटर के ऊपर भी जा सकते हैं क्या इसमें बाइक वगैरह टू व्हीलर के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है किट की नहीं अभी उसके लिए प्रोसेस चालू है गवर्नमेंट जैसे अप्रूव देता है उसके हिसाब से काम करते हैं हम अभी कार का और ऑटो रिक्शा का अप्रूव है अपने पास इसलिए अपन उसमें फिट करते थे तो शहर में कितने सीएनजी पंप है शहर में अभी 3 सीएनजी पंप है जो चालू है और 6 प्रोसेस है अंडर प्रोसेस में अभी स्कीम वगैरह रखेगा स्कीम है कुछ ऑटो रिक्शा यूनियन के लिए भी एक फैसिलिटी दी है हमने उनके लिए थोड़ा ऑटो का खर्चा वगैरह कम करके लगेंगे उसको और दूसरा उसमें वारंटी वगैरह है फाइनेंस का भी इंतजाम कर रहे हैं उसके अंदर फाइनेंस भी हो जाएगा गाड़ी के ऊपर किसी को अगर फाइनेंस कराना है कितना फाइनेंस होगा ऑटो रिक्शा पे कितना फाइनेंस ऑटो रिक्शा पे आप फाइनेंस से उनके ऊपर रहता है उनके अगर अच्छा रहा तो 31,000 रुपये तक फाइनेंस हो जाएगा कौन सा फाइनेंस है तो उसमें दो तीन जगह फाइनेंस है बजाज फाइनेंस भी है सर उसमें कोई मॉडल करेंगे क्या कुछ गवर्नमेंट कुछ मॉडल पे देंगे क्या नहीं मॉडल बोलते ऊंचा मॉडल रहना मतलब तो किसने कौन सा मॉडल रहना कौन से साल की रिक्शा रहना अब जितना ऊंचा मॉडल रहे उतना फाइनेंस दूंगा 15-16-17 नहीं नहीं अभी ये जो गाड़ी कोई भी मॉडल को लेगा 2 स्ट्रोक को भी लगेगा 4 स्ट्रोक को भी लगेगा और 6 को नहीं है अभी ये 6 को नहीं है अभी तो रिक्शा वालों की भी हालत खराब है तो इसमें कुछ कम करने वाले या 33,000 बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं हम आरटीओ के अंदर इंडास करके दे रहे हैं उनको उनको आरटीओ का खर्चा ही है ना तो कितना आ जाएगा तो वो हम इंडास करके देंगे उनको आरटीओ के अंदर और आरटीओ के ऊपर जैसा फ्यूल के अंदर लिखा हुआ था फ्यूल पेट्रोल लिखा हुआ था वैसे सीएनजी लिख के आएंगे उनको हम पूरा कंप्लीट शर्ट बिठा के टाकी के साथ कंप्लीट करके उनको रेडीमेड आरसी बुक उनके हाथ में देने वाले नहीं तो इसमें आगे समस्या नहीं आती है कि आपने अगर नहीं बिठा दिए 3 साल की वारंटी रहती है इसकी
वैलिडिटी देखती और एक साल की वारंटी रहती है। समस्या कुछ भी आता है, मेंटेनेंस जीरो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस बहुत कम आता है इसके अंदर। अभी बाहर कुछ लोगों ने रिक्शा वालों से कुछ अपील करेंगे आप, ऑटो चालकों से? ऑटो रिक्शा वाले से ये अपील करेंगे कि भाई उनको बहुत फायदा है इसके अंदर, उनको अगर समझो एक बार खर्चा करके लगा दे रहे उनको लाइफ टाइम के लिए परेशानी नहीं होगी, उनको बजट अच्छा रहेगा। उसमें अगर कोई मालिक भाड़ा मालिक गाड़ी किराए से दे रहा अगर उनने तो उसको भी पैसे ज्यादा मिलेंगे और ड्राइवर को पैसे ज्यादा बचेंगे इसके। इसमें अभी पेट्रोल की गाड़ी रिक्शा जो है कितना एवरेज देती है और आपके सीएनजी में कितना देगी? अभी 22 से 25 एवरेज देती पेट्रोल में। पेट्रोल में सीएनजी लगाए बाद वो 50 से 52 सिटी में देंगी और 55 से 60 के बीच में आउट ऑफ देंगी। आपका नाम?